हेलो एवरीवन, आई एम रोजालिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं नरसिंहनाथ। इसकी पहले वीडियो में हम हरिशंकर गए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। ओडिशा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाइकमाल गांव में ये नरसिंहनाथ मंदिर मौजूद है और ये है उसका प्रवेश द्वार। ये मंदिर गंधमार्दन पर्वत के नीचे अवस्थित है और पर्वत के उस पार हरिशंकर मंदिर है, जिसकी ब्लॉग भी मेरे चैनल पे है और उसमें मैंने गंधमार्दन पर्वत का इतिहास भी बताई है। तो जाके आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मुख्य मंदिर पहुंचने के कुछ मीटर पहले से ही ये साइड में महाभारत का कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ में जाते हुए यहाँ चक्रव्यूह में अभिमन्यु कौरवों के साथ, और यहाँ पे सर सज्जा में भीष्म पितामह है और उस तरफ हस्तिनापुर का राज दरबार चल रहा है। ये सब देख के ना लॉकडाउन वाले रामायण महाभारत के जो दिन थे वो याद आ गए मुझे। यहाँ नरसिंहनाथ में एक वाटरफॉल है कपिलधार, जो कि यहाँ की एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है और उसका दूरी मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर है। चौहान वंश के राजा वैजल देव के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ पे लायन गेट लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सिंह द्वार, और मंदिर की चारों ओर प्रकृति से भरा हुआ है। अगर आप हरिशंकर से गंधमार्दन पर्वत के पीछे से होके नरसिंहनाथ आएंगे तो आपको अराउंड 50 किलोमीटर पड़ेगा, और वो रास्ता थोड़ा जंगल से भी भरा है तो नजारा देखने के लिए बहुत सुंदर है। और अगर आप पदमपुर की रूट से आएंगे तो हरिशंकर से पदमपुर अराउंड 40 किलोमीटर एंड फिर आप पदमपुर से नरसिंहनाथ आएंगे जो कि अराउंड 30 किलोमीटर, और संबलपुर से नरसिंहनाथ का दूरी 64 किलोमीटर है। ये मंदिर भगवान विष्णु के मार्जर केसरी रूप को समर्पित है। मार्जर का मतलब है बिल्ली, यानी यहाँ विष्णु जी का सिर बिल्ली जैसा है और शरीर लायन जैसा। किंवदंती के अनुसार एक राक्षस चूहे का रूप धारण करके वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। तब भगवान विष्णु एक बिल्ली के समान मार्जर केसरी का रूप धारण किए और चूहे दानव का पीछा किया, और चूहा दानव यहाँ पे एक सुरंग में घुस गया और कभी वहां से बाहर नहीं निकला। भगवान नरसिंहनाथ यानी मार्जर केसरी अभी भी मंदिर में सुरंग की रखवाली कर रहे हैं। मंदिर के अंदर कैमरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान जी का मूर्ति ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। मंदिर का और एक मुख्य आकर्षण है मंदिर में पत्थरों में किया गया कारुकार्य। पत्थर को खोद के बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं जो कि इतिहास को बताता है, और ये है एक अष्टभुजा गणेश जी का मूर्ति। जैसे कि मैंने कहा, आप मंदिर के चारों ओर प्रकृति को और नजदीक से महसूस कर पाएंगे। हर तरफ जंगल से भरा हुआ है, वाटरफॉल है और उसके साथ साथ बहुत सारे बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे सीमेंट पे कारीगरी का और भी काम चल रहा है, तो कुछ ही दिन में ये जगह और भी सुंदर दिखने वाली है। ये ऊपर जो मंदिर दिख रहा है इसे गोकुंड घाट कहा जाता है। यहाँ पे चालधार के साथ साथ और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जो कि कपिलधार, भीमधार, सीताकुंड, गोकुंड। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पूरा एक दिन का वक्त निकाल के आइए, ताकि यहाँ का पूरा प्लेस को आप एक्सप्लोर कर सकें। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और मंदिर एंट्री करने के पहले ही यहाँ पे एक हनुमान वाटिका है, जहाँ का एंट्री फीस है ओनली 5 रुपीज। तो यहाँ आप जाके फोटोज क्लिक कर सकते हैं एंड बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारे जगह है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना ना भूले। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।